वह सुबह मन से लड़कर इस नींद को हराना और बिस्तर को छोड़ना जैसे एक जंग को जीतना है। और जिसने अपने मन को हराकर जल्दी उठ गया वह आधी जंग तो वैसे ही जीत गया समझो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत अवश्य होके रहती है। मनुष्य के जीवन में ये गतिविधियां तो जीवन भर चलती रहती है। जीत और हार, लाभ और हानि, अच्छा और बुरा, अपना और पराया, जब तक इंसान इन सब में उलझा रहता है तब तक अपने कर्मों को सही दिशा नहीं दे पाता है। और अपने कर्मों को कर्म फल की इच्छा पाने की भावना रखकर उन कर्मों को करता है तो वह कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कर्म फल की भावना ही तो हमें कर्म करने से रोकती है और हम हमारे कर्मों को 100% सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन इन्हीं कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। इन कर्मों में सुधार लाने से ही जीवन में सुधार लाया जा सकता है, बाकी कोई भी चमत्कार नहीं है। कर्म फल की इच्छा ही इंसान के जीवन में बाधा है। वही उसके मन को कर्म नहीं करने से पहले उसके फल के बारे में सोचने को मजबूर करता है, ताकि कर्म पर ध्यान हटकर फल पर सीधा ध्यान चला जाता है। यही कारण है हम हमारे जीवन में सही कर्म नहीं करते। जय सियाराम।